Today on Sound Custom Gurus. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉन्ग कस्टम गुराज वंस अगेन। सो आज का ये वीडियो मेरी एक बहुत ही पुराने स्केल मॉडल के ऊपर है, जो कि मैंने तकरीबन 7 साल पहले खरीदा था। मैंने कहा आई थिंक 2017 में खरीदा था, और ये कार है द आइकॉनिक 1960 रोल्स रॉयस सिल्वर क्लाउड। तो क्या उस कार को देने ले जा रहे हो? ओके, तो कार से यानी यू आर आई 1, 2 and 3। टाटा। The 1960 Rolls Royce Silver Cloud। ये देखिए। सो आज इस वीडियो में मैं आपको कोई भी रिव्यू नहीं दिखाने वाला, क्योंकि फिलहाल इस कार में उतना खास कोई मॉडिफिकेशन का काम डन ही हुआ है। सो इसलिए फिलहाल इस कार में रिव्यू दिखाने का कोई मतलब नहीं है। सो ये कार बस जितना कि मुझे याद है, मैंने कहा आई थिंक 2017 के इन तक खरीदा था शायद, तो यानी कि तकरीबन 60 साल पुरानी कार है। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने कहा आज तक कभी भी यूट्यूब में नहीं दिखाया था। इवन मैं तो इस कार के बारे में ऑलमोस्ट पूरी तरह से भूल ही गया था। बस आज सुबह मेरे एक शोकेस के कॉर्नर में मुझे एक कार दिखाई दिया, हालांकि इसके बॉक्स के साथ ही था। सो इसीलिए ये कार इतने समय से अनयूज पड़े रहने के बावजूद भी उतना खास गंदा नहीं हुआ है। सो फिलहाल कार की कंडीशन उतना खास ठीक नहीं है, क्योंकि अगर आप कार को सामने से देखें तो ये जो ग्रिल वाला जो पार्ट है ये काफ़ी हद तक खराब हो गया। ये पेन काफ़ी जगह से निकल गया है। बाकी ये सब हेडलाइट्स के ऊपर जो ये क्रोम लगा होता है, इनमें भी थोड़ी बहुत दाग लग गया है। और बाकी अगर इस पेंट की बात करें तो वैसे ये कार का ओरिजिनल कलर ही है। ये कार ओरिजिनल ही इस तरह का, ये ड्यूल टोन कलर का था। ये सिल्वर वाला पार्ट तो काफ़ी हद तक ठीक ही है, बस थोड़ी बहुत क्लीन करने से ये फिर से पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन ये जो ब्लैक वाला जो पार्ट है ये काफ़ी हद तक थोड़ी बहुत फेडेड टाइप का हो गया है, क्योंकि जब मैंने कार खरीदा था तो ये ब्लैक वाला पार्ट काफ़ी शाइनी था। यू नो नए कार्स में ये ब्लैक वाला पार्ट काफ़ी शाइनी होता है, लेकिन थोड़ी बहुत पुराने होने की वजह से ये थोड़ी बहुत फेडेड टाइप का हो गया है। हालांकि कार को रीपेंटिंग की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ी बहुत पॉलिश कर देने से ये पूरा पेंट फिर से पहले जैसा हो जाएगा। और बाकी इस कार में मैंने आज तक गुंडा खास कोई मॉडल का काम क्या नहीं था, सिवाय पीछे ये टेल लाइट्स जो कि मैंने बाद में इंस्टॉल किया था। और मैंने पीछे के बम्पर को भी एक्सपेरिमेंट में क्रोम रैपिंग किया था, पर वो बाद में निकल गया था। और ये जो टायर जो आप लोग देख रहे हैं, जब मैंने कार खरीदा था तो ये टायर जो कि ब्लैक वॉल था, लेकिन क्योंकि ओरिजिनल रोल्स रॉयस सिल्वर क्लाउड में टायर्स हमेशा व्हाइट वॉल ही देखने को मिलता था, सो इसलिए मैंने उस चीज़ को ध्यान में रखकर टायर्स को व्हाइट वॉल कर दिया था। हालांकि ये व्हाइट वॉल वाला काम भी आई थिंक 2017 में हो गया था, सो इसीलिए ये काफ़ी हद तक खराब ही हो गया है। सो फिलहाल जो मेरा प्लान है वो ये है कि इस कार को फुल्ली रीस्टोर करना, ऑफकोर्स फुल्ली रीस्टोर। सो इसके पेंट में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस पेंट को थोड़ी बहुत पॉलिश कर देने से ये फिर से पहले जैसा हो जाएगा। ये तो ग्रिल वाला जो पार्ट है इसे रीक्रोमिंग की ज़रूरत है, क्योंकि ये पेंट काफ़ी जगहों से निकल गया है। सो इसीलिए इसे फिर से क्रोम वाइन रैपिंग करना होगा। आई थिंक हेडलाइट के जो ये यहाँ पर ऊपर जो क्रोम लगा होता है इनमें भी क्रोम वाइन रैपिंग करना होगा, क्योंकि इनमें से भी ये जो देख सकते हैं आप पेन काफ़ी हद तक निकल गया है। और बाकी यहाँ जो ये जो बम्पर वाला जो पार्ट है यहाँ पर मैं एक लाइसेंस प्लेट इंस्टॉल करने की सोच रहा हूँ। बम्पर में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बम्पर वाला जो क्रोम है ये पहले से ही ठीक है, बस थोड़ी बहुत पॉलिश कर देने से ये और ज़्यादा शाइनी हो जाएगा। और ये हुड में जो ये जो लाइनिंग देख रहे हैं आप, इस लाइनिंग पर मैं क्रोम ऐड करने की सोच रहा हूँ, जिससे कार और ज़्यादा क्लासी दिखेगा और ज़्यादा लग्जूरियस दिखेगा। और अगर कार के विंडोज़ की बात करें, सो ये उन्हें हाई क्वालिटी स्केल मॉडल नहीं है, सो इसीलिए कार में कोई विंडोज़ नहीं है। सो आने वाले फ्यूचर में मैं कार में विंडोज़ इंस्टॉल करने की सोच रहा हूँ। और विंडोज़ के साइड में ये जो जो ये जो बॉर्डर दिख रहा है आप, ये बॉर्डर में काफ़ी हद तक आई थिंक क्रोम करने की सोच रहा हूँ। और अगर कार के साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड में भी बिल्कुल विंडोज़ ही इंस्टॉल होने वाला है, बिल्कुल सेम स्टाइल में, और उसके साइड में क्रोम इंस्टॉल होने वाला है। सो पिलर जैसे चीज़ों को मैं इस कार में क्रोम ही करने की सोच रहा हूँ, क्योंकि ना ये क्लासिक कार है, और अगर क्लासिक कार में मैं पिलर्स को ब्लैक आउट कर दूंगा तो नाशा नहीं दिखेगा। सो इसीलिए मैं पिलर जैसे चीज़ों को भी क्रोम ही करने की सोच रहा हूँ। सो ये विंडोज़ वाला पार्ट दिखने से मुझे काफ़ी हद तक हिंदुस्तान एम्बेसडर और मॉरिस ऑक्सफोर्ड का भी याद आता है, क्योंकि ये विंडोज़ वाला जो पार्ट है ये काफ़ी हद तक आइडेंटिकल है। यू नो इस कार में ब्रिटिश स्टाइलिंग है, सो इसीलिए उसकी वजह से ये कार साइड से देखने से काफ़ी हद तक मॉरिस ऑक्सफोर्ड और हिंदुस्तान एम्बेसडर के साथ थोड़ी बहुत आइडेंटिकल दिखता है।
और अभी जो मैंने कहा था कि व्हील्स को भी वाइट बॉल का जो काम है इसे बाद में फिर से करने की ज़रूरत है। व्हील कवर में ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसे थोड़ा सा पॉलिश करने की ज़रूरत है। और ये जो साइड की जो ये जो क्रोम लाइनिंग है जो कि ओरिजिनली था, लेकिन ये क्रोम लाइनिंग काफ़ी हद तक ख़राब हो गया है, सो इसलिए मैं इसे भी फिर से रिक्रोम करने की सोच रहा हूँ। और यहाँ ये जो नीचे की जो ये रॉकर पैनल वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर भी मैं थोड़ी बहुत क्रोम ऐड करने की सोच रहा हूँ। इवन कार में थोड़ी बहुत और क्रोम पार्ट्स ऐड करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कार जितनी लग्जूरियस है और जितनी क्लासी है उसके हिसाब से इस कार में क्रोम पार्ट्स की थोड़ी सी कमी है। और पीछे डोर लॉक्स नहीं, यानी कि जो ट्रंक को खोलने वाली जो लॉक होता है, और लाइसेंस प्लेट चीज़ें जैसे चीज़ें अगर ऐड कर देंगे तो इससे कार और ज़्यादा लग्जूरियस दिखेगा और ज़्यादा क्लासी दिखेगा। इन टेल लाइट्स को रिप्लेस करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो टेल लाइट्स वाला जो काम है ये मेरे 2017 में किया था, और तब मैं कार के मॉडिफिकेशन का काम उतना खास तरीके से कर नहीं पा रहा था, सो इसलिए ये टेल लाइट्स बहुत ही चीप तरीके से बनाया गया था। सो इसलिए मैं इन टेल लाइट्स में आने वाले फ्यूचर में निकाल देने की सोच रहा हूँ, और इसके जगह में बेटर हाई क्वालिटी टेल लाइट्स फिट करने की सोच रहा हूँ। और पीछे के बम्पर को भी क्रोम करने की ज़रूरत है, ताकि सामने के बम्पर के साथ पूरी तरह से मैच करे। और पीछे विंडोज भी इंस्टॉल करने की ज़रूरत है। इवन कार में अभी काफ़ी काम बाकी है। ये कार फिलहाल वैसे ये तकरीबन 7 साल पुरानी कार है, पर उसके बावजूद भी मैंने इस कार में आज तक उतना खास कोई मॉडिफिकेशन का काम किया नहीं था। जो कुछ भी चीज़ें था वो मैंने आपको ऑलरेडी दिखाई दिया है, बस ये व्हील्स वाला काम किया रहा, पीछे जो लाइट्स वाला जो काम है बस वो सब किया रहा, और यहाँ सामने ये जो क्रोम प्लेटिंग है ये सब चीज़ें मैंने बाद में ऐड किया था। पर उसके बाद ये कार ऑलमोस्ट स्टॉक कंडीशन में ही है, और आने वाले फ्यूचर में मैं इस कार को फिर से फुली रिस्टोर करने की सोच रहा हूँ। हाँ तो चलेगा, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी मेरी एक और नई वीडियो में, इसमें मैं आपको ऐसे ही और भी कमाल की कस्टमाइज की गई और मेरी खुद की गई स्किल मॉडल कार दिखाने की कोशिश करूंगा। लेकिन तब तक अगर आपको आज का ये वीडियो तुम्हें पसंद आया, यू डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल नाउ, सो द बेल आइकन सो विल गेट नोटिफिकेशन ऑफ एवरी न्यू वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे।